I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Yo, madam, kahan se udaaya hai ye panchi? 500 deta hu abhi. Are jao jao abu miya muh dhokar aao. Iske liye to 5000 ka gahak hai mere paas. Tumhare liye yahi theek hai. Jao. 150 rupaye. अपने 50 रख लिए। आदमी कैसा था? बहुत अच्छा। पूरी रात नशे में धुत सोता रहा। वो बांध खुली तो घर चला गया। जा आराम कर। अरे आइए आइए बीरबल जी, कहिए क्या बात है? पहले तो रोज आते थे, अब हफ्तों हो जाते हैं। दुकान ठंडी पड़ गई क्या? मैडम, बेटी की शादी में बिजी था, कल ही तो कन्यादान से फुर्सत मिली है। मुबारक हो, मुबारक हो। कहिए कौन सा मेवा चखेंगे? बंगाल की बेगम बहार या गोवा का अल्फ्रांसो? वैसे देहरादून की अलीची भी है। जो मौसम का मेवा अच्छा हो खिलाइएगा। अच्छा, तो फिर जाइए कैबिन नंबर 7 में, इलाहाबाद का अमरूद खास आपके लिए बचा के रखा है। जाइए। देखिए मैं क्या से क्या बन गई। अब वाली जाऊं। अरे नजरे बद से बचने के लिए काला टीका तो लगा लिया होता है। आप भी कमाल करती हैं, काले धंधे में काले टीके की क्या जरूरत। हाँ। अच्छा बताइए मेरा केबिन कौन सा है? जी 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 जी, केबिन वेबिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो ऊपर शीश महल है। और सुनो, तुम्हारा जो पार्टनर है वो बड़ा ही खानदानी आदमी है। आप फिक्र मत करिए, मैं उसे ऐसा शीशे में उतारूंगी वो भी याद करता रह जाए। इससे पहले तुम्हें याद कभी नहीं देखा। आपकी शराब का जवाब। लेकिन हुजूर, आप कौन है? मैं किसी की बेवफाई की जीती जागती तस्वीर। बहुत खूब, चोट गहरी खाई। लेकिन जो चोट उस एक औरत ने मुझे पहुंचाई है उसका बदला मैं सारे औरत जात से ले रहा हूँ। हर शाम चिराग जलते एक नया खिलौना मेरे पाँव में होता है। और उस खिलौने से खेलने के बाद आप फिर दूसरे खिलौने की तलाश करते हैं। लेकिन दिल के दर्द का इलाज फिर भी नहीं कर पाते है ना? कौन थी वो औरत? मेरी बीवी है। जिस बीवी को मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ दिया, वो किसी गैर मर्द की भाव में जा लिपटी। अपने घर के चिराग ने मुझे जला कर रखा हुआ है। चोट घर में खाई और इलाज के लिए बाजार में आते हैं। आपकी बीवी अगर बेवफा थी तो आप उसे माफ कर देते, या तो उसका गला घोट देते, उससे तलाक ले लेते। अपने आप को तबाही के रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? आप अगर मर्द होते तो जिंदगी का मुकाबला करते। राशन देना बहुत आसान है, लेकिन जिसके दिल पर पीती है ना वही जानता है। आज 10 बरस से मैं वो जिंदगी बसर कर रहा हूँ जो जिंदगी मेरी नहीं है। काश मुझे कोई एक ऐसा पल, एक ऐसा लवा दे दे जिसका मैं मालिक बन जाऊँ। हर रात किसी की इज्जत का सौदा करने वाले का ऐसा अरमान भी हो सकता है। सब कुछ सुनकर भी तुम यही सोचती हो मैं इस जहनुम में अय्याशी के लिए होता हूँ? तो फिर मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ जो आपको इस जहन्नुम से जन्नत को ले जाएगा। किधर है, कौन सा रास्ता? अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मैं आपकी जिंदगी के उछड़े हुए बाग को प्यार और वफा के पानी से सींच कर फिर से हरा भरा कर दूंगी। तुम क्यों? आप मेरी जैसी लड़की के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिंदगी भर का निभा नहीं करना चाहते?
घबराइए मत, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। मैं जमाने की उस आंधी का शिकार हूँ जो कुंवारी कलियों को डाली से तोड़कर इधर उधर बिखेर देती है। मैं आज ही इस आश्रम में ही हूँ। तुम जिंदा लाश शराबी के साथ गुजार कर रही। प्यार के मैखाने में आकर आप इस झूठी शराब का नशा छोड़ देंगे और इसके अलावा आपके इंतकाम की आग भी तो बुझ जाएगी। ठीक है दिया तुम, चलो। उधर से नहीं, मैं एक नई जिंदगी में कदम रखते हुए उस मनुष्य की सूरत नहीं देखना चाहती जो औरत जात के नाम पर कलंक है। उधर से तमाम कमरों की तलाशी लो और सबको बाहर निकालो। मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। ये कहाँ ले आए? ये मेरा घर है, जो मेरा घर होते हुए भी मेरा घर है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अपनी सारी दौलत लेकर अभी आता हूँ। जल्दी आना। नहीं तो क्या, इतनी रात गए सड़कों पर अकेली क्यों घूम रही हो? तो क्या हुआ, ये कोई जुर्म है? जुर्म नहीं तो अपना पता बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी? ये सब पूछने की क्या जरूरत है, मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। अरे मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ और तुम शराफत का ढंडोरा पीट रही हो, अपना पता बताओ। अरे बाबा पता हो तब ना बताओ। नहीं तो चलो पुलिस चौकी। पुलिस सीधी तरह चलो वरना चलो 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 पुलिस चौकी चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग सर। वाह वाह, क्या फौजी सैल्यूट मारी है, अब साफ साफ अपना पता बताओ। पहाड़े जानती होंगी, नजारे जानते होंगे, पता मेरा फलक के चांद तारे जानते होंगे। ये पुलिस स्टेशन है, कोई नाटकघर नहीं। जिंदगी एक नाटक है और नाटक एक जिंदगी। पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, एक्टर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये स्टेज वही का वही रह जाता है। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि कैदी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप मैं और ये जेल खाना वही का वही है। शाबाश वर्दी हवलदार की और दिमाग फिलोसोफर का। यू आर प्रमोटेड एंड यू आर डिमोटेड। आप यहाँ खड़े हो जाइए और आप वहाँ बैठ जाइए। चुप रहो चुप रहो। तुमने क्या पुलिस स्टेशन का चार्ज दे लिया है? दो चार महीने जेल की हवा खाओगी तब पता चलेगा। ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जेल की तो मुझे जन्म से आदत है। दुनिया में आने से पहले मैं 9 महीने माँ के पेट में कैद रही, उसके बाद माँ बाप ने मुझे 3-4 साल झूले में कैद रखा, फिर 10 बरस स्कूल में किताबें पढ़ने की सजा दी गई। मास्टरों की कैद से निकली तो 4 साल प्रोफेसरों ने कैद कर लिया और उसके बाद शर्म आती है। वाला, ये सुन, इधर आओ।
ये तो पूरी पागल है। डॉक्टर के नाम वाली चिट्ठी लेकर इसे पागलों के अस्पताल में दाखिल करवा दो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। पापा तुम इतने जल्दी बुड्ढे कैसे हो गए? उम्र के साथ साथ बेटे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामपुर की वासी हूँ मैं, धोबन मेरा नाम। वाह वाह, लेकिन बेटी ये धोबन क्या नाम हुआ? पापा तुम मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं रोते नहीं, चल चल हंस देती हूँ। अच्छी लड़कियां बिना किसी कारण न हंसती हैं न रोती हैं। अच्छा अब मैं जो जो सवाल करूं उसका बड़े प्यार से जवाब देना। सवाल क्या है, जवाब क्या है, हिसाब क्या है, किताब क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, समझ में आया जना? क्या है बेटे, तुम्हें तो उर्दू के बड़े अच्छे अच्छे शेर याद है ना? अरे पापा उर्दू तो उर्दू, पंजाबी बोलूंगी तो बोलो। मेरी लगती किसी ना वैकी ते टूट दिन जग जाना। वाह वाह तू बेटे वाह तू। आ मैं बैठ। पापा कुर्सी में या गोद में? बेटा कुर्सी में, जरा आमने सामने बैठ कर बातें करेंगे। शुरू करो। हाँ तो तुम्हारे माता पिता हैं? अंडा है तो मुर्गी होगी और मुर्गी है तो मुर्गा होगा। बेटा अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो लो पापा अच्छी अच्छी बात सुनो। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक ले रघुवीर, निर्बल जान के मोहे मोह से छुड़ायो हाथ, यदा यदा ही धर्मस्य संभवामी युगे युगे। कितनी अच्छी अच्छी बात है, तुमने कहाँ सीखी बेटी, किससे सीखी? पापा एक बार मैं बनारस गई थी, बगैर टिकट के स्टेशन पर उतरते ही तुलसीदास जी मिल गए। मैंने कहा हे संतों के संत आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हे बालिके मैं राम दर्शन को अयोध्यापुरी जा रहा हूँ। मैंने कहा जरूर जाइए लेकिन हाँ लव कुश को मेरा प्यार दीजिएगा। बनाई है पप्पा, जिस प्रभु ने हाथी बनाया उसने चिड़िया भी बनाई। चिड़िया का जन्म हुआ, उसको पर निकले, उसने उड़ना सीखा, उड़ते 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 एक दिन उड़न छू हो गई। पता है क्यों? अपने जीवन साथी की तलाश में। एक दिन वो उड़ते उड़ते अपने जीवन साथी के घोंसले में पहुंची और क्या देखा, घोंसला खाली था। वो जोरों से चीखी, मालूम है क्यों? क्योंकि चिड़िया और कन्या में कोई फर्क नहीं होता और ये दुनिया अक्सर औरत को धोखा दे जाती है। एक मर्द होकर तुम औरत का दिल समझते हो? तुम्हारा तो इलाज कराना चाहिए। देखो बेटे
जिंदगी में कभी पाताल की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे। वो तो देखना ही पड़ेगा बेटा। अब अप्पा, क्योंकि भगवान ने इंसान के शरीर पर चेहरा आगे की तरफ लगाया, पीछे की तरफ नहीं। गुड गुड, व्हाट अ वंडरफुल एग्जांपल। क्लच मीचे पप्पा स्वयं आए। हैज टू बी। पापा, मेरे को घड़ियां कंपनी बिल्कुल पसंद है यार। प्लीज व्हाट प्लीज, मैं आजाद पंछी हूँ, अपनी मर्जी से उड़ूंगी, अपनी मर्जी से घूमूंगी। गुलशन गुलशन फूल। अरे ओ, अरे वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब अपना तो जन्म सफल हो गया, एक ही दिन में रामायण भी सुन ली और महाभारत भी सुन लिया। सुनो, ये तुम्हारा बिस्तर है, यहाँ सो जाओ। सिस्टर, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। कोई पागल अपने आप को पागल नहीं समझता। फिर हमने कब कहा कि तुम पागल हो? डॉक्टर साहब ने दो चार दिन के लिए यहाँ रखा है। चलो आराम से सो जाओ। चलो चलो चलो, आराम से यहाँ सो, सुबह आके हम तुम्हारी खैरियत पूछेंगे। हाँ यार है वगा वगा। तो डॉक्टर एक बाल्टी दूध भेजना रहे। अयो अयो चोर चोर, क्या चौधरी तू पागल है क्या? तुम पागल कहने में जाना, इधर काहे को आया? अब देखो मेरे कान में करती रहती है तिली। क्या माँ वो के? ए, बेटी नहीं तेरी साथ आई है। उठ पहुंचो पहुंचो, देख आंगन में झाड़ू लगा, चूल्हा चौका संभाल, और तेरे ससुर का कोट और पजामा पड़ा है उसे धोड़ा। बच्चे नहीं आए स्कूल से? किसके बच्चे? बच्चे पैदा करके भूल गए। देख छोटे का मास्टर कैसा था, छोटा हिसाब में कमजोर है। घर का कामकाज हो जाने के बाद बच्चे को आधा घंटा पढ़ाया कर। पागल खाने में भी टिपिकल इंडियन मदर इन लॉ, घिटपिट घिटपिट करती है। आज से दोनों वक्त घर में सिर्फ दाल बनेगी, उसमें घी नहीं होगा। तेरे बाप ने मैं इसके से घी का डब्बा नहीं भेजा है। चल हट, मैं बैठूंगी यहाँ। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.